मीरा भाभी के घर वालों को लगा कि ये उनका बचपना है, जब वो बड़ी होंगी उनका सचमुच ब्याह होगा तो इस मूर्ति से उनका लगाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान कृष्ण और मीरा भाभी के संबंध दिन प्रतिदिन और गहरे होते गए और बढ़ते गए। राणा जी, हम जानना चाहते हैं कि मीराबाई के पति भोजराज जी ने इस समीकरण को, जो वे उनके कृष्ण के साथ साझा कर रही होंगे, कैसे लिया? बताइए ना दाजीराज, हम भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। अब हम बच्चे नहीं रहे जो आप लोग ऐसे विषयों पर हमारे सामने बात करते समय सोच विचार करें। हम जानना चाहते हैं कि भोजराज जी का मीरा माता के साथ कैसा व्यवहार था। दादा भाई को बहन उदाबाई और भाई विक्रमादित्य की भांति अपनी पत्नी की भक्ति से कोई शिकायत नहीं थी। इन फूलों से सजने पर मेरे गिरधर गोपाल इतने सुंदर दिखेंगे ना? क्योंकि मीरा भाभी सदा अपने पति का प्रेम और सम्मान के साथ ध्यान रखा करती थी। मीरा भाभी एक कर्तव्य परायण पत्नी थी। सुबह से लेकर शाम तक वो दादा भाई की हर आवश्यकता का ध्यान रखा करती थी। बस उनके बीच पति पत्नी के संबंध नहीं थे, किंतु प्रेम और स्नेह भरपूर था। क्या कहना चाहते हैं आप दाजीराज? ये बात हमारी समझ नहीं आई। अंबागानी हुकुम, राजपुरोहित जी पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें सम्मान सहित अंदर ले आइए। खम्मागढ़ी हुकुम, राणा जी ये बात चारों ओर फैल चुकी है कि बावजी राजप्रताप मीराबाई को चित्तौड़ वापस लाने हेतु एवं उनके दर्शनों हेतु ब्राह्मणों के समूह के साथ द्वारका जा रहे हैं। और बावजी राज की इच्छा अनुसार समस्त ब्राह्मण गण इस कार्य के लिए सहर्ष तैयार हो गए हैं। बहुत ही शुभ समाचार लाए हैं आप राजपुरोहित जी। राजपुरोहित जी, आप हमारी ओर से सभी ब्राह्मणों को कहिएगा कि उनके साथ मीरा माँ के पास द्वारका जाना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी। हम कल सुबह सूर्योदय के साथ साथ ही निकल पड़ेंगे और हम अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए ब्राह्मणों के वेश में चलेंगे। आपको तो पता ही होगा ना राजपुरोहित जी कि द्वारका शत्रु राजा का क्षेत्र है, इसीलिए हमें अपनी वास्तविकता भी छिपानी है और वहां पहुंचकर मीरा माँ को चित्तौड़ वापस लाने का पूरा प्रयास भी करना है। अब सब भगवान से प्रार्थना करें कि मीरा माँ, यहाँ राज परिवार ने उनके साथ जो भी अन्यायपूर्ण व्यवहार किया उसके लिए वे हमें क्षमा करें, चित्तौड़ वापस लौटने के लिए मान जाए। गौर प्रताप, आज जब भी हम इतिहास में झांकते हैं दादा भाई के लिए हमारे मन कृतज्ञता का भाव आ जाता है, जिन्होंने प्रताड़नाओं के सागर के बीच मीरा भाभी के लिए इस महल में ही भक्ति का एक छोटा सा द्वीप बनवा दिया था।
के बीचों बीच इतना भव्य मंदिर किधर गोपाल जी का? आपका ये बार बार होने वाला अपमान हमसे देखा नहीं जाता मीरा जी। जब भी आप भक्ति में लीन होकर महल से बाहर जाती हैं तो आपको अपमानित होना पड़ता है, लांछित होना पड़ता है, पर यह हमसे देखा नहीं जाता। अब यही है आपके श्री कृष्ण, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, और यहाँ पे कोई भी कृष्ण भक्त आ सकता है, और उसके लिए यहाँ के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। स्वामी, मेरे तन मन से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। स्वामी, यहाँ हमारे गिरधर गोपाल के लिए प्रसाद बनेगा, और यहाँ सारे भक्तगण बैठेंगे, और इधर सितार वादक बैठेंगे, और यहाँ अपने गिरधर गोपाल के चरणों में बैठकर हम उनके लिए भजन गाएंगे। अब वो मंदिर मीरा भाभी के लिए केवल पूजा और भक्ति का स्थान नहीं था, अभी तो वो मंदिर जहां उन्होंने अपनी रुचि अनुसार भक्ति का वातावरण बना दिया था, वो अब उनके जीवन का संबल बन गया था। वाह, अपनी पत्नी के लिए बड़े ही सहयोगी स्वभाव वाले पति थे फिर तो भोजराज जी। अच्छा, तो हमने आपको कब कुछ करने से रोका है? नहीं नहीं राणा जी, हमारे कहने का यह अभिप्राय नहीं था। जयंता भाई जी, हमें तो यही लग रहा था कि आपका अभिप्राय यही है। हमें लगता है कि हमारी पीठ पीछे हमारी सभी रानियां यही सोचती हैं कि हम एक बहुत ही कठोर नियंत्रक पति। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राणा जी? आप तो हमारी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ पति हैं, बल्कि आप जैसे पति का आशीर्वाद हमें ईश्वर से मिला है ऐसा कभी किसी को मिला ही नहीं होगा। वैसे एक बात कहें जयंता भाई जी, आपके मुंह से अपने बारे में सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। चलाब, आलीजान, आदाब। रुखसत से पहले हम आपके ही आरामगाह में आ रहे थे इजाजत लेने। जलाल, हमने आपको आज तक कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका। अभी महामंगा और बाकी तमाम लोगों ने बताया कि आप द्वारका जा रहे हैं। द्वारका तो गुजरात में पड़ता है ना, और गुजरात पर हुकूमत बहादुर शाह जफर की है, जो हमारे गहरे दुश्मनों में से एक है। ऐसे में आपका वहां जाना खतरनाक हो सकता है। हमें तो आपकी फिक्र हो रही है जलाल, खुदा ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ठीक है, आप दोनों हमारे लिए इतनी फिक्रमंद हैं, तो आपके सुकून के लिए हम ये सफर एक मुगल बादशाह की मानिंद नहीं करेंगे, बल्कि एक मामूली तिजारतदान बनके करेंगे। ठीक, शुक्रिया जनाब, आप अपना ख्याल रखिएगा। हम कल सुबह द्वारका के लिए रवाना होंगे, और अब आप सब नहीं, फकत मुट्ठी भर लोग ही हमारे साथ चलेंगे। रेडी कम, देखिए इस अभियान में हम कहीं के राजकुमार नहीं, हम तो जैसे आप सब हैं वैसे ही एक साधारण सयात्री है, जिसके मन में मेवाड़ की सबसे पवित्र आत्मा को पूरे सम्मान के साथ फिर से यहाँ उनका न्यायपूर्ण स्थान दिलाने की इच्छा है।
भगवान कुंवर प्रताप को इस अभियान में सफलता दे। मियां तानसेन एक बात अच्छी तरह से समझ लेना कि जैसे जैसे हमारे घोड़े एक एक कदम द्वारका की ओर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी मौत आपके करीब आती जाएगी। और ये जितने भी मनगढ़ंत अफसाने सुनाए हैं ना आपने हमें मीरा बाई के, उसमें से एक भी अफसाना आपको बचा नहीं पाएगा। हुजूर, आपने तो अनगिनत युद्ध लड़े, सहस्त्रों शत्रुओं को धराशायी भी किया है, मृत्यु से भयभीत चेहरे को भला आपसे अधिक और कौन पहचान सकता है? देखिए मेरी ओर, ध्यानपूर्वक देखिए, क्या आपको मेरी आंखों में मृत्यु का भय दिखाई देता है? आपकी इस बेखौफ आंखों के पीछे मीराबाई पे आपका यकीन ही है ना? देखते हैं, जब हम उनके सामने आपका सर कलम करेंगे तो कैसे बचा पाती है वो आपको। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये यात्रा कम से कम एक बार आपको अपने आप से साक्षात्कार अवश्य करवा देगी। आपके अंदर की वो आत्मा जो ना शहंशाह हिंद है ना अपने आप को स्वयंभू समझती है, आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी। मीरा माँ की पवित्र भक्ति आपके अंदर के उस मैं, उस निश्चल आत्मा के सामने लाकर खड़ा कर देगी। मीरा माँ का जनमानस पर अक्सर यही प्रभाव पड़ता है। चलो, ये तीनों थालियां पूजा घर में रखवाइए। जीजा, तीनों नहीं दोनों, आरती के थाल अब तीन नहीं दो रह गए। हाँ, वो जानते हैं जीजा, पहली बार कुंवर प्रताप अपनी छोटी माँ से तिलक लगाए बिना इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। पता नहीं यदि बेना आज यहाँ पहले की भांति हमारे साथ होती तो कुंवर प्रताप के जाने पर कैसी प्रतिक्रिया देती। राणा जी ने मीराबाई को वापस लाने के लिए बाजीराज प्रताप को द्वारका जाने की अनुमति दे दी है और बाजीराज प्रताप द्वारका के लिए बस अभी अभी निकले। पुरोहित जी, आज मीरा माता के पास द्वारका जाते समय हमें जितनी उत्सुकता हो रही है उतनी उत्सुकता तो हमें बड़े से बड़े शत्रु के साथ युद्ध करते समय भी नहीं हुई थी। इसका कारण यह है बाबूजी राज प्रताप कि आप अपने पुरखों के गलतियों के प्रायश्चित की भावना से वहां जा रहे हैं, उनके द्वारा किए गए अनुचित निर्णयों का उचित समाधान के लिए वहां जा रहे हैं। अपने पुरखों के द्वारा किए गए महान कार्यों पर गर्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है कि कोई उनकी गलतियों का उत्तरदायित्व ले ले। और आज यदि आप मीराबाई को मनाकर घर वापस लाने में सफल हो गए ना बाबूजी राज, तो आप एक नए इतिहास का निर्माण ही नहीं करेंगे वरन लिखे गए इतिहास को नए सिरे से लिखेंगे। मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास में अभिशाप के जो काले पन्ने लिख दिए गए हैं उसे सदा सदा के लिए बदलने हेतु आप द्वारका जा रहे हैं। तो क्या सब? क्या सब? हम ये रास्ता क्यों पकड़ रहे हैं शमसुद्दीन? जी हुजूर। ये तो लंबा वाला रास्ता है ना? जी जनाब, बेशक ये रास्ता लंबा है पर इस पर कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये छोटा वाला रास्ता हमारे दुश्मन मेवाड़ के इलाके से गुजरता है और भला हम वहां से कैसे जा सकते हैं? एक दिन जब हमें इस रास्ते से गुजरकर मेवाड़ को अपने कब्जे में करना और फिर हम जब इस रास्ते से गुजर ही रहे हैं तो इस रास्ते पे एक नजर डालने में क्या हर्ज है? और वैसे भी हमें इस इलाके में कोई पहचानता भी नहीं। इसमें हंसने वाली क्या बात है मियां तानसेन? बात ही कुछ ऐसी है जहां पना, आप मेवाड़ को हत्याने का स्वप्न मन में लिए
मेवाड़ की बहू से मिलने मेवाड़ के एक क्षेत्र से बिना अपनी पहचान किसी को बताए हट के साथ निडर भाव में जा रहे हैं। लगता है वीरों की इस धरती से आपका कोई पुराना नाता अवश्य है। हमारी प्रशंसा के अतिरिक्त आपकी सभी बातें सही है पुरोहित जी, इसीलिए हमने सोचा है कि हम मीरा माता के सामने जाते ही उनके चरणों में गिरकर हमारे परिवार द्वारा उनके प्रति की गई भूलों के लिए उनसे क्षमा मांग लेंगे। परंतु बाबूजी राज, क्या आप मीराबाई के प्रति हुए सभी अन्यायों, गलतियों और षड्यंत्रों के बारे में पूरा पूरा जानते हैं? पूरा पूरा तो नहीं जानते, परंतु आप तो इन संबंधों के बारे में सब बातें जानते हैं। हाँ जानते तो हैं, और यदि आप चाहेंगे तो भारी मन से ही सही, परंतु इतिहास के इस दुखद पन्ने को आपको सुना अवश्य देंगे। वाह वाह, तो ये है चित्तौड़ का वो मशहूर किला। क्या शानदार किला, कितना मजबूत, कितना महफूज। वाह वाह, आपने इस मंदिर को तो फिर से वैसे ही सजा दिया जैसे मीरा भाभी सजाया करती। सच कह राणा जी, इसे सजाने में हमें इतना आनंद मिला है जितना हमें कभी किसी काम में नहीं मिला। आपने किसी आवश्यक कार्य के लिए हमें यहाँ पर बुलाया? हाँ, हम आपको एक विशेष चीज दिखाना चाहते हैं, आइए। ये क्या दिखाना चाहती हैं? देखिए राणा जी, मेरी प्रिय मीरा के लिए ये लिखावट तो दादा भाई की है। वही तो, इसे यही पता चलता है ना राणा जी कि कितना प्रेम था मीराबाई के लिए उनके मन में। ऐसा भव्य मंदिर बनवाया उनके लिए और फिर समर्पित भी किया उनके नाम लिखित रूप में। जयवंता भाई जी, ये मीरा भाभी की कहानी का एक पक्ष है जिसमें मीरा भाभी को दादा भाई से स्नेह मिला, प्रेम मिला, सम्मान मिला, लेकिन इसी कहानी के दूसरे पक्ष में दुख था, प्रताड़ना थी, अपमान था। किंतु चिंता हमें इसी बात की हो रही है जयवंता भाई जी कि कुंवर प्रताप मीरा भाभी को यह चित्तौड़ वापस लाने गए तो, लेकिन क्या मीरा भाभी भुला पाएंगे उन सभी दुखदायी अनुभवों को? क्या वो भुला पाएंगी उन सभी प्रताड़नाओं को, उन सभी दुर्व्यवहार को जो उनके साथ या महल में एक बार नहीं कई बार हुए?
समझ में नहीं आया कुछ। यदि बाजी साहब भोजराज जी को मीरामा से इतना ही स्नेह था तो फिर उन्होंने मीरामा को जल समाधि लेने के लिए क्यों कहा? नहीं राजपुरोहित जी, नहीं, प्रेम इतना क्रूर भी हो सकता है? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अभी आपको अपने जीवन के कई पृष्ठ पढ़ने शेष हैं बाबूजी। जब आपको किसी से प्रेम होगा तब पता चलेगा कि प्रेम अपने साथ कई कठिनाइयां और कई समस्याएं भी लेकर आता है। प्रत्येक व्यक्ति कई संशय, संदेह और पूर्वाग्रह के व्याधियों से पीड़ित होता है, और इस संदर्भ में भोजराज भी कोई अपवाद नहीं थे। अपने कानों से सुना है हमने, खुली रासलीला चल रही थी मंदिर में बंद होकर। हमारे कान धोखा नहीं खा सकते। मीरा किसी से कह रही थी कि वो उसके बिना जी नहीं सकती, मर जाएगी अगर बिछड़ना पड़ा तो। और आप दादा भाई, आप तो इतने भोले हैं कि अपनों पर अंधविश्वास करते हैं, मगर हम कह देते हैं कि अब पानी सर से ऊपर बहने लगा है। आपने मीरा के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहां तक कि अपने पति होने के अधिकार तक को छिन जाने दिया। अनगिनत रातें शैया पर अकेले बिताई आपने, और उसके बदले में आपको क्या मिला? अपान भरा एकाकी जीवन, और उसके उपरांत अब ये प्रेम प्रसंग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जानते बूझते एक दुष्चरित स्त्री को यूं बेलगाम छोड़ना हमारे परिवार और कुल के लिए अभिशाप बन सकता है दादा भाई। और आपकी पीठ पीछे रासलीला रचाकर मीरा ने यह सिद्ध भी कर दिया है। यह सच नहीं है। यही सच है दादा भाई। दादा भाई हैं आप हमारे। हम तो केवल इतना चाहते थे कि विवाह के उपरांत आपका जीवन आनंद से भरा, परंतु उस मीरा ने सब कुछ नष्ट कर दिया। हमारे सपने, आपके सपने, इस पूरे राज परिवार के सपने। और अगर आपने अभी मीरा को नहीं रोका तो मीरा हमारे कुल की मान मर्यादा पर ऐसा काला धब्बा लगाएगी कि हमारी आने वाली कई पीढ़ियां उसको नहीं धो पाएंगी। मेरे गिरधर को इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इन्हें सद्बुद्धि का आशीर्वाद दीजिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस विश्वासघात के लिए हम मीरा को इसी समय उचित पाठ पढ़ाएंगे। कुंवर भोजराज, क्रोध विवेक का शत्रु होता है। कुछ भी निर्णायक रूप से करने से पहले इस आरोप का सत्यापन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये बात मानने को तैयार नहीं है कुंवर जी कि मीराबाई जैसी धर्मपरायण बहू ऐसा कोई अवांछित कार्य कर सकती। हाँ हाँ, मत मानिए हमारी बात, कर लीजिए जाकर पहले सत्यापन। हमने कुछ भी अपने मन से नहीं कहा। हर रात होने वाली रासलीला के कुकर्म को अपने कानों से सुनकर आए हैं हम, तभी जाकर बोले हम दादा भाई। ठीक है, आज रात हम स्वयं पता लाएंगे। और उस रात भोजन करवाने के बाद भोजराज के शैया सवार के जब मीराबाई उनके कक्ष से गईं, तो भोजराज ने छिप के उनका पीछा किया। मैं क्या कर रहा हूं? अपनी देवी समान पत्नी पर संदेह, ये हमें उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या हुआ दादा भाई, आप रुक क्यों गए? चलिए अंदर चलिए, क्या आपको सच का पता नहीं लगाना? चलिए हम आपके साथ चलते हैं। आप ही मेरा प्रेम हो, मेरा जीवन हो, मेरा सर्वस्व हो। आपको जानने के बाद, आपको चाहने के बाद मुझ में मेरा रहा ही कब? मैं तो आपकी हो चुकी हूँ पूरी। कहा था ना हमने आपसे
अब स्वयं अपने कानों से सुन। बस जो भी हो आपकी ही हो। खड़े क्या हैं दादा भाई, दरवाजा खोलिए और चलिए अंदर। बस मैं आप ही में लीन हो जाना चाहती हूँ गदर को, चित में मैं मिट चुकी हूँ और मेरे चित में सिर्फ आप ही हैं। एक ही इच्छा है मोहन मुकुट वाले, सदा सदा के लिए हमें अपने शरणों में ले लीजिए गदर को। इस बहाने मीराबाई जी के कान्हा जी से साक्षात्कार के बाद उनके पवित्र आचरण को लेके भोजराज जी के मन में कोई संदेह नहीं बचा, है ना जीजा? नहीं, उस समय तो कोई संदेह नहीं बचा होगा। किंतु क्या जीजा? किंतु उदाबाई कहाँ चैन से बैठने वाली थी, जल भून गई थी। झूठी जो साबित हो चुकी थी और यही बात सहन नहीं हो रही थी उन्हें। हमें झूठा साबित करना चाहती हैं, हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया आपने। बताइए काला जादू था क्या वो आपका? बताइए मीरा भाई, बताइए। आज हमें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए आपसे। उदा भाई, वो एक क्षण था जब हम अपने गिरधर गोपाल के साथ होते और वो हमारे साथ होते। यदि आपको हमारे गोपाल भक्ति के चरम प्रकाश से कोई भी कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते, हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं मीरा भाई, आपको हमसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु आपने जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई उसका आपको ऐसा दंड मिलेगा कि आपको अपने जीवन तक से घृणा हो जाएगी। बहुत उछलती है ना आप दादा भाई भोजराज के बल पर, किंतु आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि जो स्त्री अपने पति के साथ उसकी शैया तक बांध नहीं सकती, उस पति पर भी उस पत्नी का कोई प्रभाव नहीं है। उदाबाई ने जो कहा था मीराबाई को दिखा दिया पूरा करके उसे। दिन रात भड़काती रही वो भोजराज को कि काला जादू करती है मीराबाई अपने पापों को छुपाने के लिए। देवी नहीं है वो, डायन है, क्योंकि मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपने अगाध भक्ति के लिए कभी किसी को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। इसी बात का लाभ उठाकर उदाबाई ने मीराबाई के प्रति होजराज के मन में विष घोलना आरंभ कर दिया। ऐसे में दरबार के कुछ इर्शालु सामंतों ने लोकलाज और राज परिवार के मर्यादाओं को आधार बनाकर भोजराज को मीराबाई के विरुद्ध बात बात पर भड़काकर उन पर दबाव लाना आरंभ कर दिया। और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने मीराबाई से दो टूक बात करने का निर्णय ले लिया। मीरा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। आपकी आंखें सदा आपके मन के भाव को बता देती है और आपके मन के भाव को पढ़ने में आज तक हमसे कोई चूक नहीं हुई। फिर भी आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए। हम थक चुके हैं लोगों के ताने सुनते सुनते,
आप जिस तरह का जीवन व्यतीत कर रही, ऐसा जीवन हम जन साधारण के संसार के साथ मेल नहीं खाता। कितना प्रयास करें, कितना कोई सामंजस्य नहीं बैठा। और दुख की बात तो यह है कि हम आपको जानते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप श्री कृष्ण के भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। इसका अर्थ तो यह हुआ ना कि आपने हमारे लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। हमारे लिए क्या आदेश है स्वामी? राजघराने की मान मर्यादा की रक्षा की हम आपको आदेश दे रहे हैं कि आप जल्द समाधि ले लें। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। स्वामी, हमारे जाने के बाद अपना ध्यान रखिएगा, एक ऐसी स्त्री से विवाह कीजिएगा जो आपको सांसारिक सुख दे सके। हम आपके लिए एक आदर्श पत्नी नहीं साबित हो सके, इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे गिरधर गोपाल हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। मीरा माँ, क्या कर दिया हमारे पूर्वजों ने आपके साथ? कैसे क्षमा मांगेंगे हम आपसे? कैसे? क्या? क्या? जल समाधि? आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं मियां तानसेन? इसका मतलब आप हमें इतनी दूर उससे मिलने के लिए लेके जा रहे हैं जो कब की मर चुकी है? आपकी इतनी जुर्रत? किंतु जहां पना, मैंने ऐसा कब कहा कि मीरा माँ मर चुकी है? मैंने तो ऐसा कदापि नहीं कहा। बेवकूफ समझते हैं आप हमें? ये सब जानते हैं कि जो जल समाधि लेता है वो मर जाता है। साधारण इंसान मर जाता है जहाँ पर, साधारण नश्वर इंसान पानी में समाधि लेकर मर जाते हैं, किंतु मीरा माँ नहीं। क्या मतलब है आपका? उस दिन जो हुआ उसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, और जो चमत्कार कोई नहीं समझ पाया वो भला मैं आपको कैसे समझा सकता हूं? Thank you.
कहाँ जा रही हो मीरा? सदा सदा के लिए आप में विलीन होने, हमारा संबंध इस संसार को स्वीकार नहीं है प्रभु। जग छोटे हरी मिलने तुमसे मिलना है तो वृंदावन आ जाओ। प्राण क्यों त्याग रही हो? इन प्राणों में तो हम हैं। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दर्शन दिए थे मीरा माँ को अपने साक्षात स्वरूप में। हाँ बाबूजी राज, दर्शन दिए थे भगवान, पर हर कोई कहाँ देख सका उस प्रभु को, परंतु मीराबाई हर कोई नहीं, दिव्य आत्मा है, इसलिए केवल मीराबाई ही दर्शन कर पाई अपने कान्हा का। ईश्वर के साक्षात स्वरूप का तेज इतना प्रबल होता है कि साधारण जन तो उस तेज को सहन ही नहीं कर सकता। उसे पचाने के लिए उच्च कोटि की भक्ति चाहिए, और मीराबाई की कृष्ण भक्ति तो ऐसी है कि वे स्वयं कृष्णमय हो गई हैं। धन्य है मीराबाई। ये तो सुनकर इतना अच्छा लग रहा है राजपुरोहित जी। वाह, फिर क्या हुआ था पुरोहित जी? फिर क्या होना था, मीराबाई ने अपने आराध्य का आदेश माना और चल पड़ी वृंदावन। वृंदावन? तो फिर हम द्वारका क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इस समय मीरा माँ द्वारका में ही है। वे तो एक महान भक्त है, एक दिव्य आत्मा है। वे तो अपने कान्हा की आज्ञा का पालन करते हुए वृंदावन चली गई, और पुनः अपने कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए ही द्वारका लौट चुकी हो, जिसके तार सीधे सीधे कृष्ण से बंधे हो। वो किसी एक विशेष स्थान पर बंधी नहीं रह सकती। मीराबाई के बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए शुक्रिया मियातांसे। अब तो उस सूफी औरत के दीदार के लिए हमारे बदन की एक एक रग रग फड़ाने लगे। गौर से सुनो सब, अब हम द्वारका तक के सफर में बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। परंतु शहंशाह, हमारे घोड़े भूखे प्यासे हैं, इन्हें तो कुछ दाना पानी देना ही होगा। नहीं मियां तानसेन, इन घोड़ों को भी पता होना चाहिए कि वो किसी आम इंसान को नहीं बल्कि शहंशाह हिंद को ले जा रहे हैं। सुना है आपको अश्व? मैं माँ को जाके बताऊंगा कि मैंने घोड़े को छू लिया। हुजूर, हम एक बसे हुए गांव में प्रवेश कर रहे हैं, मनुष्यों की बस्ती है वहां। आप कृपया अपने घोड़े की गति धीमी कर लीजिए। कैसी कमाल की बात है मियां तानसेन, पहले हम इसकी रफ्तार कम नहीं कर रहे थे और अब कमबख्त ये अपनी रफ्तार कम ही नहीं कर रहा। बहरहाल हमें पसंद है ऐसे बेलगाम घोड़े, हमारी तबीयत और फितरत से जबरदस्त मेल खाते हैं ऐसे घोड़े, मजा आता है इन्हें दौड़ाने में।
नियंत्रण में रखने नहीं आता तो फिर क्यों करते हो घुड़सवारी? तुम्हारी इतनी जुर्रत? जब घोड़े को नियंत्रण में रखने नहीं आता तो फिर क्यों करते हो घुड़सवारी? तुम्हारी इतनी जुर्रत? जाने दीजिए जनाब, इस वक्त हम दुश्मन के इलाके में, बेवजह हमें यहाँ किसी की नजरों में नहीं आना चाहिए। हमारे लिए फिलहाल बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चुपचाप चले जाएं। महामंगा महामंगा, ये क्या हो रहा है सल्तनत? तुमने शहंशाह जलाल को ऐसे ऐसे खतरनाक रास्ते पर जाने दिया? जानती नहीं कि द्वारका का एक रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता है? फिर भी, और हम जितना जानते हैं हमारे शहंशाह को, वो शर्तिया उसी राह का इंतखाब करेंगे जो मेवाड़ से होकर गुजरती। अच्छा, तो सब कुछ जानते बूझते तुमने शहंशाह को उस खतरनाक रास्ते से दिया। हम जानते हैं ये राजपूत किस मिट्टी के बने हैं, प्रताप किस मिट्टी का बना है, हम जानते हैं। अगर प्रताप को पता चलेगा कि शहंशाह जलाल उस रास्ते से गुजरने वाले हैं तो खुदा ना खास्ता उनकी जान ले लेगा, बोटी बोटी कर देगा। बंद करो हमारे सामने हमारे शहंशाह के बारे में ऐसी बदज़बानी। प्रताप के हाथों शर्मनाक हार से शायद दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है आपका, इसीलिए ऐसी ऊल जलूल बातें कर रहे हैं आप। खौफ बैठ गया है आपके जहन में प्रताप का, मगर हमारा शहंशाह किसी से नहीं डरता। और यही फर्क है एक शहंशाह में और एक अदना से खौफ सदा वजीर। महामंगा हे भगवान, मैं कैसी माँ हूँ अपने बच्चे की रक्षा तक ना कर सकी। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। नहीं माई, आप स्वयं को क्यों कोस रही हैं? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष यदि था तो उस लापरवाह घुड़सवार का था, जिसमें इतनी सी मानवता नहीं थी कि वे अपनी लापरवाह घुड़सवारी के लिए आपसे क्षमा ही मांग लेता। मुआफी? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? किंतु हुजूर, अंतिम समय पर यदि उस वीर बालक ने अपने प्राणों को संकट में डालकर उस छोटे बालक को बचाया ना होता तो वो छोटा बालक तो मर ही जाता। नहीं, बच्चा नहीं मरता, उस बच्चे को कुचलने से पहले हम अपने घोड़े की जान ही ले लेंगे। क्या इतना बड़ा खतरा, इतना खतरनाक काम? अर्थात ये तो उतना ही खतरनाक होता जितना खतरनाक उस वीर बालक का अपने प्राणों को संकट में डालकर उस छोटे बालक को बचाना था। हो सकता, मगर कोई हमें नाउम्मीद करे तो उसे मारने से हमें कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो हमारा बेलगाम घोड़ा हो या आप। आप मीरा माँ के चरणों में मेरा सर कटे, उनके सामने मेरे प्राण जाए, इससे अधिक गर्व की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? फिक्र मत करो।
इसमें अभी वक्त है, और इसलिए इस वक्त का इस्तेमाल आप हमें ये बताने के लिए कर सकते हैं, वृंदावन जाने के बाद मीराबाई के साथ क्या हुआ। वृंदावन पहुंचते ही सबसे पहले मीरा माँ ने अपने कृष्ण कन्हैया की मूर्ति को एक छोटे से मंदिर में स्थापित किया और वहीं अपना भजन सत्संग प्रारंभ। मीरा माँ की उस अद्भुत भक्ति की गाथा मुझ तक भी पहुंच गई और मैं खिंचा चला गया मीरा माँ के दर्शन हेतु वृंदावन। और फिर क्या हुआ? आपको भी उनके मानी दीदार हुए कृष्ण के? नहीं, किंतु एक आभास अवश्य हुआ उस परम शक्ति का, जो केवल मीरा माँ के समीप ही संभव हो सकता है। मीरा माँ को चित्तौड़ से निर्वासित करने के बाद बाजी साहब भोजराज जी का क्या हुआ? उनकी दिव्य उपलब्धियों की बातें सुनकर क्या उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ? भोजराज को मीराबाई की ये बातें सुनने से बहुत पहले ही अपनी भूल समझ में आ गई थी, क्योंकि मीराबाई के चित्तौड़ से जाते ही महान शूरवीर राणा सांगा का देहावसान हो गया। फिर एक एक करके कई बुरी घटनाएं घटने लगी चित्तौड़ में। भोजराज तुरंत समझ गए कि इन सारी घटनाओं के पीछे बस एक ही कारण है, मीराबाई का चित्तौड़ से निर्वासन। क्षमा कर दो प्रभु, हमसे अज्ञानतावश बहुत बड़ा पाप हो गया। हम जानते थे कि वो आपकी परम भक्त है, फिर भी कैसे हम लोगों की बातों में आ गए? विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है भोजराज। जो हुआ सो हुआ, जब जागो तभी सवेरा। हम तो कहते हैं कि आप जाइए और मीरा को महल वापस ले आइए। कितना प्रताड़ित और अपमानित करके उन्हें निकाला था रानी मां, अब उसे लेने गए और उसने वापस आने से मना कर दिया तो? अब तो मीरा माँ को चित्तौड़ वापस चलने से मना करना ही था। यदि उनके स्थान पर और कोई होता तो वो भी अवश्य यही करता। बहुत उचित किया मीरा माँ ने वापस चलने से मना कर दिया। जीवन में आत्मसम्मान से बड़ी और कोई बात नहीं होती, और जहाँ सम्मान ही ना मिले तो वहां पर जाना ही क्यों लौट के? किंतु मीरा बाई वापस लौट कर चित्तौड़ आई। परंतु कैसे? भोजराज कोई बात एक बार अपनी मन में ठान लेते थे तो उसे पूरा करके ही दम लेते थे। वे गए वृंदावन मीराबाई को वापस लाने की, किंतु भोजराज बन के नहीं। प्रभु, प्रभु आपके आदेश से हम यहाँ वृंदावन चले आए। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि मानो हर बार आप हमेशा हमारे साथ। अलख निरंजन, प्रणाम महाराज। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमारे लिए कुछ करना चाहती हो तो हमें वचन वचन जो हम मांगेंगे वो तुम दोगी। परंतु महाराज, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वचन दे देवी। ठीक है महाराज, आपका आदेश हमारे सर आपको मांगे। चित्तौड़ चलो वापस मीरा। स्वामी आप, हाँ
मैं तुमसे विनती करता हूँ मीरा। नहीं स्वामी, चित्तौड़ बात पे चलो मीरा, अब तुम वचन भी दे चुकी हो। ठीक है स्वामी, हमने आज तक आपकी किसी भी बात की अवहेलना नहीं की, हम आज भी आपका आदेश मानेंगे और चलेंगे आपके साथ। किंतु मीरा बाई वापस लौटकर चित्तौड़ आई। वे गए वृंदावन मीरा बाई को वापस लाने। राजपुरोहित जी उठिए। बागजीराज, क्या हुआ बागजीराज? राजपुरोहित जी, यदि मीरा माँ चित्तौड़ वापस चली गई थी तो फिर आज वे द्वारका में कैसे? वे चित्तौड़ में क्यों नहीं रही? बाबूजीराज, आपकी यही जिज्ञासु प्रवृत्ति आपको सामान्य लोगों से भिन्न बनाती है। वृंदावन से वापस लौटने के बाद मीराबाई 2 वर्षों तक चित्तौड़ में रही और इस बार उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि भोजराज ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी बाधा उनके समक्ष उत्पन्न न कर सके। भोजराज की असमय मृत्यु ने मीरा माँ के लिए परिस्थितियों को एक बार फिर दुर्गम बना दिया। अब मीरा माँ का चित्तौड़ में रहना लगभग असंभव ही था। भोजराज की मृत्यु के उपरांत उदाबाई और विक्रमादित्य ने मीरा माँ को अपने असली रंग दिखाने आरंभ कर दिए। तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पर? हाँ, तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, समझ गई तुम? अब जाओ यहाँ से और जाकर अपने कृष्ण की पूजा कर, जाओ यहाँ से। जीवन भर तुमने हमारे दादा भाई को धर्म संकट में डाले रखा, कभी उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। क्या तुम झूठ बोल रहे हैं क्या? बोलो। अरे ओ महारानी, ऐसे क्या जल्दी मुंह उठाकर उत्तर दो हमारे प्रश्नों का, उत्तर दो। भोजराज के जाने के बाद रतन सिंह राणा बनाना बने और दुर्भाग्य से उनकी भी मृत्यु हुई। और जब क्रूर विक्रमादित्य मेवाड़ का महाराणा बन गया तो राज्य में सुख शांति का वातावरण लगभग मिट सा गया। ऐसे में मीराबाई अपना सारा समय कृष्ण भक्ति और उनके भजन कीर्तन में डूबकर बिताने लगे। किंतु उदाबाई और विक्रमादित्य को भला ये कैसे स्वीकार होता था? ऊपर से समाज के हर वर्ग में मीरा की सच्ची कृष्ण भक्ति प्रसिद्ध होती जा रही। दिन दिन मेवाड़ में व्याप्त अराजकता से त्रस्त जनमानस मीरा के भजनों और सत्संग में सुख और संतोष देख देख अधिक से अधिक संख्या में उनके भक्त बनते जा रहे। उदाबाई और विक्रमादित्य दोनों ही मीरा की कृष्ण भक्ति और बढ़ती लोकप्रियता से दिल मिलाने लगे। फिर तो यकीनन दोनों मीराबाई के आवाम में मशहूर होने से परेशान हो गए होंगे, और ऊपर से जिसे रियाया इतनी मोहब्बत करती हो उसे तो मारना भी मुश्किल हो गया होगा। था तो सब कुछ वैसा ही जैसा आपने कहा, किंतु इसके उपरांत उदाबाई और विक्रमादित्य ने मीरा माँ को जान से मारने का प्रयत्न किया। क्या सचमुच? वो भी एक बार नहीं, तीन बार। पर जब विक्रमादित्य वहां के राजा बन गए थे तो वो उन्हें सजाए मौत भी दे सकते थे ना? नहीं, ये सब इतना सरल भी नहीं, क्योंकि वहां के लोगों में मीरा माँ के लिए इतना सम्मान था, इतना स्नेह था उनकी कृष्ण भक्ति के लिए,
कि अब खुलेआम मीरा माँ को दंडित करना तो राणा जी के लिए भी लगभग असंभव ही था। और फिर बाबूजी राज, उदाबाई और विक्रमादित्य ने मिलकर मीराबाई की हत्या का ऐसा षड्यंत्र बुना। उन दोनों ने मीराबाई के कृष्ण भोग में विष मिला दिया। इस विष की एक ही बूंद किसी को भी कुछ ही पलों में मारने के लिए काफी है। अब शीघ्र जाओ, विलंब मत करो, जाओ। उन्होंने उस विष मिले हुए कृष्ण भोग को भी पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और उसी सहजता के साथ ग्रहण किया जैसे वे सदा ग्रहण करते। Thank you.